कांग्रेस के एनपी प्रजापति ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिनके घर बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, उनको भी बिल भेजे जा रहे हैं। विद्युत कंपनियां सरकार के हाथ से निकल चुकी हैं, कंपनियां सही काम नहीं कर रही। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। अफलन है, अफलन यानी जिसमें फल नहीं लगे। 40% सोयाबीन की फसल अफलन है और 30-40% फसल अतिवृष्टि के कारण जा रही है। अपने आप ये कांग्रेस सर्वे बता रही है भारतीय जनता पार्टी को, 40% अफलन, 30-40% अतिवृष्टि, यानी 80% हो गया। अनुबंध करिए बीमा का, कांग्रेस पार्टी का सर्वे। एक मिनट पूरा हो जाए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मेहरबानी करिए। अब जो फसल आएगी निश्चित तौर पर कमाएगी, बाजार में अगर MSP प्राइस पे नहीं खरीदी जाएगी तो ये दोहरी मार किसान पे लगेगी। उड़दा मूंग भी चली गई है, आप ये मत समझिए सोयाबीन के साथ उड़दा मूंग भी चली गई है। और जहां गन्ना का किसान का गन्ना खड़ा है, अतिवृष्टि और हवा के कारण वो गन्ना भी आड़ा हो गया है। इस समय सबसे भयंकर मार किसानों के ऊपर पड़ी है। आप पुराने घड़ियाली आशीष हो छोड़िए, हमने वादा किया था। एक बात ध्यान रखिए आदरणीय सभी माननीय जो श्रोतागण सुन रहे हैं आप चैनलों के माध्यम से, अगर किसी बिल्डिंग का शिलान्यास होता है दूसरे दिन तैयार होकर खड़ी नहीं हो जाती है, किसी सड़क का शिलान्यास होता है दूसरे दिन बन के खड़ी नहीं हो जाती है। योजनाएं बनती हैं, दस्तखत होते हैं, किसान कर्ज माफ करेंगे, पहले फेज में हुआ, दूसरे फेज में हुआ, लगभग 26 लाख किसानों की पेन ड्राइव जारी कर दी है। अब क्या बोलने लगे, ये तो कुछ भी कर देते हैं। अरे ऐसा मत करो भाई, तुम्हारी सरकार आ गई है, वादा हमारा था, जो बाकी थर्ड फेज बचा है उन किसानों का कर्ज माफ करना आपका दायित्व है। जाती आती सरकार के ऐसी नीतिगत फैसलाओं का निर्णय यथावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।